रूपा जी इसे बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि मंडियों में आवक तो है नहीं, सोयाबीन की अराइवल्स अभी जो आने थे वो आ चुके हैं, जिन किसानों को अपनी सोयाबीन बेचनी थी वो बेच चुके हैं, अब किसानों ने अपनी सोयाबीन को फिर से स्टॉक कर लिया है, होल्ड कर लिया है। यूएस सोयाबीन में भी देख रहे हैं $1400 के ऊपर ही ट्रेड कर रही है आज भी, और अमेरिका साउथ अमेरिका में देख रहे हैं कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में अभी तक जो अनुमान जताया जा रहा है सोयाबीन में वो उत्पादन में गिरावट का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो वैश्विक सोयाबीन का उत्पादन है उसमें कमी रह सकती है। चाइना ने भी अपना निर्यात घटाया है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में यहाँ से जो ये जो सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, क्या आगे जाके उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्या सोयाबीन में की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स तो मजबूत ही नजर आ रहे हैं। देखिए फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में बाजार जो है वो रुका हुआ है और एक सीमित दायरे में है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर तेजी बनी भी तो 6500 तक ऊपर देखने को मिल सकता है, यानी कि करंट लेवल से 200 पॉइंट की एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, 100 से 200 पॉइंट की तेजी हो सकता है कि आपको देखने को मिले। नो डाउट फंडामेंटल इसका सपोर्टिव है। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की बात करें तो देखा जाए तो प्रोडक्शन काफी कम बताया जा रहा है, क्रॉप भी डैमेज है, तो इस वजह से कीमतों में आगे चलकर सपोर्ट हो सकता है कि देखने को मिले। लेकिन हाल फिलहाल में बाजार एक रेंज में है और ये रेंज अभी एक्सपेक्टेड है कि बनी रह सकती है और बहुत ज्यादा अभी उठा पटक नहीं है, ना तो बहुत ज्यादा गिरावट है और ना ही बहुत ज्यादा तेजी की संभावनाएं हैं। 6500 ऊपर में है तो नीचे में 6100-6000 मैक्सिमम डाउनसाइड देखने को मिल सकता है जी।